यहाँ पे आके उनका सपना पूरा हो। तो हर एक उसी का सपना जो यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे बाहर से आता है, जो यहाँ का है, उनके सपने पूरे करने के लिए वो कौन से रास्ते चुनते हैं और उनका जर्नी कैसे होता है, ये है सिटी ऑफ ड्रीम्स। बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो वेब सीरीज़ ये मीडियम ही ऐसा है जो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक दिन आप पहले एपिसोड का शूट करते हैं, दूसरे दिन आप एकदम 10वें एपिसोड का शूट करते हैं, आपको खुद को वो ट्रैक रखने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हमारे डायरेक्टर बहुत ही प्रिसाइज थे, बहुत ही उनको पता था ऑफकोर्स उनको क्या कैसे कैरेक्टर्स चाहिए, उनको क्या चाहिए, और अगर हम थोड़े से भटक भी जाए तो हमें पटरी पर लेके आते थे। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद नागेश सर, बिकॉज उन्होंने ये कहानी लिखी भी है तो वो शायद हम सबको हमारी कैरेक्टर की तरफ बहुत अच्छे से लेकर गए। सो विच वॉज़ अ वंडरफुल थिंग। अबाउट सेंसरशिप, आई थिंक आई वुड से कि कोई भी कहानी कहने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर जो मेकर्स है, जो राइटर्स है, जो डायरेक्टर है, वो अपने तरीके से कहानी अगर बताए तो वही तभी वो कहानी सच और उनके जो वो कहना चाहते हैं वो बाहर निकल आ सकेगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा कुछ कंटेंट हो सकता है जिससे बच्चों पर बुरा असर हो या समाज में कुछ गलतफहमी हो। मुझे लगता है कि एज अ मेकर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कंटेंट ना बनाएं जिससे शायद लोगों के विचारों को या दिल को चोट पहुँचे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई टोटली फील दैट वी आर ग्रोइंग अप एंड यू नो we are exposed to so much different kind of work. It's time that we should open our minds, we should open, you know, be not be narrow minded, be open minded and see where the world is going. And also agar aapko aisi kahaniyan batane ki zarurat mehsoos hoti hai to mujhe nahi lagta ki makers ko limit karna chahiye unless and until when they are showing it dignifiedly. So as long as that is under control, everything is nice.